Assalamualaikum guys, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मौसम आज बहुत प्यारा हो रहा है और देखिए यहाँ पूरी काली घटा छाई हुई है आसमान पे और कितना हसीन ये मंज़र है। और बस लगता है कि अब बारिश होने वाली है और फाइनली यहाँ जो है बारिश स्टार्ट हो गई है। ये मैं रूम में अपने बैठी हुई थी तो मैंने विंडो से देखा बारिश स्टार्ट हो गई है और अभी जो है थोड़ी हल्की थी और आज बहुत तेज़ बारिश हुई थी कुवैत में। और अब मैं जो है वो बालकनी में आ गई हूँ। बालकनी में आके मैं चेक कर रही हूँ, हवा का साइड जो था वो उस तरफ था तो यहाँ इतनी बारिश नहीं आ रही थी और बच्चे हम सब बहुत खुश हो रहे थे। और अब जो है फाइनली इस तरफ बारिश आने लग गई है और अब जो है हम लोग यहाँ खड़े हुए इंजॉय कर रहे हैं। और मौसम बहुत प्यारा है यार, ठंड बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। और ये हमारे प्लांट्स हैं, ये देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ आप चेक करें, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और बारिश में जो है बहुत मज़ा आता है। यहाँ ये बच्चे हैं, यहाँ सब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। बारिश यहाँ की इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि बारिश आती है तो कुवैत और प्यारा हो जाता है, ना पानी भरता है रोडों पे, ना कोई तार गिरते हैं, ना करंट लगते हैं, ना कोई हादसा पेश आते हैं। 24 आवर्स भी बारिश होगी तो रोड्स बिल्कुल क्लीन ही रहेंगे, बिल्कुल भी आपको रोडों पे पानी नहीं मिलेगा। और उसकी मिसाल जो है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, यहाँ कितना क्लीन रखते हैं बल्दिया वाले। और अभी शाम हो गई थी तो टी टाइम था तो जैनब ने कहा कि आज पास्ता बना लें, तो फिर जो है वो पास्ता बनाया हमने। और पास्ता जल्दी जल्दी बस वाइट सॉस बनाई और जल्दी जल्दी से जो है वेजेस काटे और जल्दी से क्विकली 10 मिनट्स में कुकर में पास्ता हमने बॉईल किया। उसके बाद जो है जल्दी से हमने ये बना लिया पास्ता और यहाँ जो है ये बन रहा है और साथ साथ चाय भी बन रही है। और यहाँ अब हमारा पास्ता रेडी हो गया है, हम इसे चाय के साथ बालकनी में बैठ के इंजॉय करेंगे। और मज़े का बना था, बच्चों को बहुत पसंद है तो बच्चों को बस यही पास्ता पसंद है और घर में ज़्यादा अच्छा बनता है एज़ कम्पेयर बाहर से। और ये सॉस भी मैं ख़ुद बनाती हूँ। और मौसम आप देखें कितना प्यारा हो रहा है, कभी बिल्कुल गोल्डन हो रहा था, एकदम ब्लैक हो रहा था, फिर एकदम से पिंक हो रहा था और बहुत प्यारा मंज़र लग रहा है। और आज वाकई बहुत प्यारा मौसम था, अब ये देखें आप एकदम गोल्डन सा वेदर हो गया। और बारिश हो और गर्मा गर्म आलू के पराठे ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आज जो है ये भाभी जो है खाने में आलू के पराठे बना रही है और बहुत मज़े के बने थे। और फिर रात में फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, देखिए आप कितनी तेज़ बारिश हो रही है और बहुत ही मज़ा आया आज, हमने बहुत इंजॉय किया बारिश में। और देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बालकनी में नहीं आ रही थी ज़्यादा, तो हम जो है वो बाहर हाथ निकाल के बारिश इंजॉय कर रहे थे। बच्चे कह रहे थे छत पे चले नीचे चलते हैं, और बस फ्लैट्स में रहने का यही नुकसान है। और अभी रात हो गई है तो बारिश में सब ने नहाया और सबकी तबीयत ख़राब है, ठंड हो रही है, तो फिर जो है मैं ये कावा बना रही हूँ रात में। ये हमने गावा बनाया था और ये बहुत अच्छा होता है, अगर आप तो कोई भी तबीयत ख़राब हो, किसी को नज़ला खांसी हो तो ये बना के ज़रूर पिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें डलता है दालचीनी, लौंग और इलायची से फ्लेवर अच्छा आता है इसलिए मैं डालती हूँ, और अजवाइन और अदरक और एक पिंच जो है वो चाय की पत्ती
और बस अब ये कवर है। ये रात में जो है लेट नाइट बल्दिया की गाड़ी आती है और जितना भी ट्रश होता है सब लेके जाती है और सारा क्लीन अप होता है रात के टाइम। और आप नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग है और अभी जो है फजर के बाद की है ये वीडियो। और आप रोड चेक करें, बिल्कुल ड्राई है और क्लीन है। और मैं अभी व्लॉग एडिट कर रही थी और आमना बहुत तंग कर रही थी, पूरी रात हो गई थी, वो सोई नहीं आज, तो मैं बस उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा व्लॉग ही एडिट कर लेती हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:37 और बस मैं कोशिश कर रही हूँ ये सो जाए, इसकी तबीयत सही नहीं है तो इसलिए बहुत तंग करती है। सो अब व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बाय बाय।